मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। जैसलमेर की खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी घर है वो सबके सब पीले पत्थरों से बनते हैं। क्या नाम है? अच्छा, राजस्थान वाली सीरीज देखी थी आपने? जैसलमेर की वीडियोस देखी थी? यहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी का व्यू है। दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो आज है मेरा जैसलमेर में ऑफिशियली पहला दिन मान लो, क्योंकि वैसे तो कल रात को हम लोग आए थे लेकिन कल रात को हम इतना कुछ कर नहीं पाए। तो आज है मेरा जैसलमेर में पहला दिन और आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले देखने के लिए जैसलमेर का फोर्ट। और उसके बाद आज बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि आज हम डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, उसके साथ साथ नाइट स्टे कैंपिंग भी करने वाले हैं, जहां पर काफी अच्छा ट्रेडिशनली डांस होता है जैसलमेर का, राजस्थान का जो ट्रेडिशनली डांस होता है वो भी होने वाला है। तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है आज का दिन, मतलब काफी पूरा शेड्यूल्ड है। और मैं आपको आज रात को नाइट कैंपिंग में दिखाऊंगा कि नाइट कैंपिंग कैसे होती है और काफी कुछ है देखने के लिए। अब चलता हूँ सबसे पहले रूम में, अभी जस्ट चाय पी के आया हूँ, रूम में जाके नहा धो के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं जैसलमेर का जो किला है, हवेलियां है वो देखने के लिए। और उसके बाद चलेंगे, हमारा शाम को जो शेड्यूल है वो है डेजर्ट सफारी, शाम को डेजर्ट में ही रुकेंगे और वहीं पे कैंपिंग होगी, रात में भी वहीं रुकेंगे, काफी अच्छा ट्रेडिशनल डांस वगैरह होगा, तो सब कुछ देखेंगे। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं, अब वक्त हो गया इस रूम को चेकआउट करने का। भाई काफी अच्छा रूम था, चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जाएंगे सीधा फोर्ट और फिर शाम के कुछ और प्लान्स भी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं सीधा बाहर, चेकआउट करते हैं और सीधा चलेंगे फोर्ट की तरफ। तो चलते हैं यार। बाकी भाई बैग काफी बड़ा है मेरा, क्योंकि ट्रैवलिंग बैग होते ही बड़े हैं, पर कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी जस्ट मैं अपने होटल से बाहर ही आया था, मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। जैसलमेर की खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी घर है वो सबके सब पीले पत्थरों से बनते हैं और दिन में जब उनके ऊपर धूप गिरती है तो ऐसा लगता है सोना चमक रहा हो। और यहाँ पे जितने भी घर है सब पीले पत्थर है, जैसे ये एक होटल है, ऐसा नहीं लग रहा भाई सोने का बना हुआ है, पूरा येलोइश, और जब इस पे धूप गिरे देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे सारे घर आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये देखो यार, मैं आपको बता रहा था ना सारे घर पीले पत्थरों से है, सारे होटल्स वगैरह पीले पत्थरों से है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ना सारी रॉयलिटी के हिसाब से बनाई हुई है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हिसाब से, एंट्री भी इतनी प्यारी बना रखी है इन लोगों ने। तो अभी माया किले के एकदम पास, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड देखने के लिए। भाई ये देखो कचौरी, भाई बहुत स्वाद है, मतलब यहाँ की कचौरी वगैरह ना ट्रेडिशनल फूड बहुत अच्छा है। सामने वो उधर किला है और ये देखो भाई यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल सारा सामान मिलेगा, बैग वगैरह, राजस्थानी जितने भी कल्चर चीज़ है ना, ये सारा मार्केट उसी का है। बाकी अभी खाते हैं और चलते हैं सीधा किले के ऊपर। तो भाई अभी मैं जस्ट जैसलमेर के फोर्ट के अंदर और मैं आपको यहाँ की एंट्री दिखा देता हूँ फोर्ट की। तो ये कुछ एंट्री है भाई यहाँ के फोर्ट की, फॉरेनर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और ये कुछ एंट्री यहाँ की। बाकी भाई जैसलमेर को ना ऐसे गोल्डन सिटी नहीं कहते। भाई मैं आपको भी अंदर से फोर्ट दिखा देता हूँ, अंदर से फोर्ट कैसा है। बाकी भाई ये फोर्ट है ना इतना ज्यादा सुंदर है ना, क्योंकि गोल्डन कलर का है और सूरज की रोशनी गिरती है तब और भी गोल्डन लगता है। तो भाई ये कुछ ऐसा फोर्ट है, आप पूरा फोर्ट देख लो यार, पूरा गोल्डन कलर का है और भाई क्या ही सुंदरता से इसे बनाया है। तो आप जैसे ही किले के अंदर एंट्री करोगे तो उसके बाद आती है सबसे पहले मेन एंट्री, जो कि किले का गेट है और जो कि कुछ ऐसा दिखता है। भाई देख लो, ये है इसकी मेन एंट्री और यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। दोस्तों आपको पता है जैसलमेर का किला बाकी किलों से इतना अलग क्यों है? क्योंकि ये एक लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर लोग एक्चुअली में रहते हैं। हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर जैसे यहाँ के जो पुराने राजा थे उन्होंने क्षत्रिय लोगों को और यहाँ के पंडितों को रहने की इजाजत दे रखी थी अपने किले के अंदर ही, उन्हें कुछ हिस्सा दे रखा था। और उनकी जो पूर्वज है, उनके जो आगे की पीढ़ी है, वो आज भी यहाँ पे रहती है। और ये कुछ किला है, ठीक है, और वहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनली वो कपड़े और यहाँ की चीज़ें, ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो उनके ट्रेडिशनली है, ठीक है। और ऊपर आज भी लोग रहते हैं, कल रात की अगर आपने स्टोरी देखी हो मेरी तो मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर एक्चुअली कैसे लोग रहते हैं। ये देखो ये यहाँ की सारी ट्रेडिशनली है, अगर आपको दिखाऊं ये सारी यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये देखो तो भाई अभी मेरे को एक लड़का मिला है जिसने मेरी वीडियो देख रखी है, राजस्थान वाली सीरीज। क्या नाम भाई तेरा? कृष्णन व्यास। क्या नाम है? कृष्णन व्यास। अच्छा, राजस्थान वाली सीरीज देखी थी आपने? जैसलमेर की वीडियोस देखी थी? अच्छा आप मेरे को ये बता दो कहाँ कहाँ और जाके हैं हम लोग, कहाँ कहाँ और घूमने लायक जगह बता दो यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, सम है, ठीक है, तनोट जाया मैं, सम डेजर्ट भी जाया मैं, लोंगे वाला पोस्ट भी जाया, फोर्ट में अंदर वो बाग की हवेली देखने लायक है, वहाँ नहीं गया बस मैं। वहाँ पे चले जाओ इस रास्ते से, क्या
चलो ठीक है भाई, ओके, नाइस टू सी यू। क्या नाम बताया आपने? कृष्णन व्यास, नाइस टू सी यू ब्रदर। अब चलते हैं भाई हम लोग। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? क्या चीज? अच्छा, वहाँ जाए, अच्छी जगह है। चल ठीक है भाई, क्या नाम है तेरा? लालन। लालन, ठीक है, नाइस टू सी यू। अभी जस्ट मैं फोर्ट के अंदर आया था और आपको मैं अंदर की वो दिखाता हूँ। ये देखो, फोर्ट के अंदर ना हर जगह शॉप्स वगैरह बनी हुई है यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ों की, ड्रेसेस वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह। भैया हमारा कोई कोनी लुगाई जिकन दे दिया हमें। गर्लफ्रेंड बनवा दे भाई, मैं सारा लोग नहीं मैं बनाऊं, ठीक की कर दो। मेरे तो और तो नहीं कौन लगे मर तो भाई, मेरे को अभी पता लगा ये किला है ना, आज इसका हाफ डे था, जो ऊपर का जो महल है उसका हाफ डे था। अभी उसकी टिकट नहीं मिल रही है, वो सीधा कल मिलेगी। बाकी किला आज बंद है, देखते क्या होता है। सर सर ये सर हाफ डे में कितने बजे तक खुला था ये? अरे ये 1 बजे और अभी ये कल कितने बजे खुल जाएगा? कल पूरे दिन खुले। कितने बजे? 8:30 के बाद पूरे दिन खुला है, 6 बजे तक। और सर यहाँ पे एक बाग बता रहे थे, बाग यहाँ पे एक बाग है, वो यहाँ से कितना है? 7 किलोमीटर है। चलो ठीक है। तो भाई आज ये किला तो बंद है क्योंकि इसका हाफ डे था। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का इकलौता ऐसा किला है जहाँ पर लोगों को रहने की परमिशन है, यानी कि पुराने टाइम से यहाँ पर जो क्षत्रिय और जो ब्राह्मण लोग थे वो यहाँ पे रहते आ रहे हैं और उनके घर वगैरह आज भी यहाँ पे है। हर चीज इकलौता ऐसा किला है। बाकी आप जितने भी राजस्थान के फोर्ट देखोगे ना, जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का, जो जितने भी है सिटी पैलेसेस, वहाँ पर किसी को रहने की परमिशन नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं एक्चुअली में। देख लो भाई, सबके यहाँ पे घर है, गलियाँ, ऐसे लग रहा है आप जैसलमेर में घूम रहे हो, लेकिन अभी मैं फोर्ट के ऊपर हूँ। तो अभी मैं ना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आया था, तो जो ये रेस्टोरेंट है ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है, इतना अच्छा यहाँ साउंड चल रहा है, यहाँ पे नेचुरली बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और ये देखो भाई, इसको डेकोरेट देखो कितना प्यार से कर रखा है भाई, जो राजस्थान का ट्रेडिशन है उसके हिसाब से इससे पूरा डेकोरेट करके रखा है। और मगर मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊं, यहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी का व्यू है। बताओ यार भाई क्या कमी है, दिस इज कॉल्ड राजस्थान। क्योंकि हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी डेजर्ट सफारी और नाइट कैंपिंग के लिए, और 3 बज चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से किले से सीधा, हमारे जो सफारी वाले भैया वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं और हम जा रहे हैं सफारी के लिए। बाकी भाई ये पूरा फोर्ट था, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और भाई काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। मैं वहाँ पे ऊपर था उस जगह पे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था भाई, बहुत सुंदर था और वहाँ से क्या ही पूरा व्यू था ना पूरे शहर का, मतलब बहुत अच्छा था। लेकिन अब चलते हैं सीधा डेजर्ट सफारी के लिए और नाइट कैंपिंग के लिए। देखो यार, मैं आपको यही बता रहा था कि इकलौता ऐसा किला है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, लोग ऊपर रहते हैं और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये छोटी सी जगह है और यहीं से पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये देखो सब लोग यहीं से जाते हैं। तो यार अब चलते हैं डेजर्ट सफारी के लिए, सामान वगैरह सारा पैक कर लिया। बाकी एक हमारे ये भैया थे भाई, ये काफ़ी अच्छे हैं। और भैया क्या था, क्या नाम भैया, क्या नाम बताया आपने, क्या नाम बताया भाई? काफ़ी अच्छा था नेचर आपका भाई। ये भाई मेरे को बेस्ट लगा रिसेप्शन वाला। ठीक है भाई, चलते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके, तो भाई ये है हमारे टूर के भाई मुख्तार, कैसे हो भैया? कहाँ से हो, लोकली हो क्या? लोकली। अच्छा, गाइड कर रहे हैं भैया हमको, हमको लेके जा रहे हैं सम डेजर्ट में और ये भैया हमें गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं है। आप कुछ कहना चाहोगे सर? बस आओ यहाँ पे घूमो, हम घुमाएंगे आपको, आप घूमो मजे करो। चलो भाई ठीक है, मुख्तार भाई मिलते हैं आगे। तो भाई मेरी गाड़ी आ चुकी है, ये रही हमारी गाड़ी जो कि हमें लेके जाएगी सम डेजर्ट में। अब चलते हैं फटाफट से, पहले मैं बैग उतार दूँ यार, ये ले पकड़ इसको। अब चलते सीधा सम की डेजर्ट की तरफ और देखते हैं भाई सम का डेजर्ट कैसा है। क्योंकि मैं पहले भी जैसलमेर आया था लेकिन मैं सम डेजर्ट में नहीं गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना वक्त क्या है, क्या कैसे है। लेकिन अब जाएंगे सम डेजर्ट में, कैमल सफारी, जीप सफारी सब करेंगे। बाकी अब चलते हैं। और भैया क्या हाल है आपके भैया? बढ़िया भैया। क्या नाम है भैया आपका? कलीम खान। कलीम खान, बढ़िया भैया। अब चलते हैं सीधा सम के डेजर्ट की तरफ और नाइट कैंपिंग वगैरह देखेंगे कैसी है। सो लेट्स गो। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं जैसलमेर के डेजर्ट में जो कि सम का डेजर्ट था वहां पर, और हमारी जो कैंपिंग की लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। अभी भाई गाड़ी उधर लगा दी है, मैं आपको कैंपिंग दिखा देता हूँ, पायल सफारी कैंप। और ये पूरी कैंपिंग की लोकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी चेक इन हो रहा है हमारा, इधर चेक इन, वेटिंग एरिया, और ये पूरा आगे डेजर्ट सफारी है। अब हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। ये रही भाई अपनी जीप, थार आ चुकी है एंड अब चलते हैं डेजर्ट सफारी के लिए और देखेंगे डेजर्ट सफारी कैसी है। बाकी मैंने आज तक कभी की नहीं है तो जाके देखते हैं कैसी होती है।
भाई हम लोग आ चुके हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए। ओ भाई झटके लग रहे हैं। तो भाई लोग हम आ चुके हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए और भाई ये पूरा डेजर्ट हो झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं, थोड़ा देख के संभाल के करना पड़ेगा। भाई हम लोग आ चुके हैं एकदम मेन डेजर्ट के अंदर। बाइबल टास ही हो अरे भाई भाई कसम से बहुत मजा आ रहा है। असली चीज यही थी भाई जो हम देखने आए थे। भाई शायद कैमरा स्टेबल नहीं रहेगा और आपको शायद मेरी आवाज नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मजा बहुत आ रहा है। पहला सूट है भाई। अच्छा पहला सूट है। अच्छा पूरी तरफ देख लो भाई, सबसे मेन अट्रैक्शन सम डेजर्ट की, यहाँ पे कैमल सफारी वगैरह चल रही है। तो भाई सम के डेजर्ट में तो पूरा घूम लिया, अभी सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर सनसेट देखते हैं और फिर चलते हैं हमारे कैंप में वापस तो भाई अब हम निकल रहे हैं हमारे कैंप की तरफ क्योंकि भाई 7 बजे वहां का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। डेजर्ट सफारी सारी कर ली है, सामने सनसेट हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई सब लोग यहाँ पे सनसेट इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू भाई, हर कोई भाई देख लो। ये लो भाई हम लोग वापस आ गए हैं हमारे कैंप पर और यहाँ पे नाइट स्टे आज हमारा, देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई अभी जस्ट मैं कैंप के अंदर आया हूँ, हम लोगों का स्वागत हो चुका है और अभी धीरे धीरे यहाँ पे माहौल बनना स्टार्ट हुआ। ये देखो भाई, भाई वहाँ पे सेंटर में म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, यहाँ से पूरी वॉकिंग है, धीरे धीरे गेस्ट का आना स्टार्ट होने वाला है। वैसे मैंने आज तक कभी नाइट कैंपिंग की नहीं है, आज देखते हैं नाइट कैंपिंग कैसी होती है। बाकी जब तक देखूंगा नहीं तब तक कैसे जानूंगा, बाकी देखते हैं। मैंने काफी कुछ सुना है कि डेजर्ट कैंपिंग काफी अच्छी होती है और यहाँ पे डांस वगैरह होगा ट्रेडिशनली, जो कि आपने पीछे देख ही लिया होगा, तो काफी अच्छा है भाई। देखो तो भाई डेजर्ट सफारी कैंप में हम लोग आ चुके हैं, बैठ गए हैं, अभी चाय नाश्ता करते हैं फिर खाना वाना खाएंगे और भाई कल्चरल प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है। ये देखो भाई
काफी ज्यादा मजा आया। अभी से लॉक करते हैं एंड, यहीं चलते हैं एंड हमारी जो जैसलमेर की जर्नी थी वो काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी। तो भाइयों अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यानी कि जैसलमेर से। ये हमारा कैंप था, काफी अच्छी फीलिंग थी। बाकी हमारी गाड़ी आ गई, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब मिलते हैं सीधा आप लोगों से स्टेशन में। तो यार इसी के साथ मैं आ गया हूँ जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर एंड यहाँ से जाना मुझे अपनी अगली लोकेशन पे। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ एज यूजुअल आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। मैं जो थारी बार थारी याद में।